सिलचर नेशनल हाईवे रानी रासमुनि लेन के रहने वाले बासिंदा अनिलवीर सिन्हा की कन्या नीलिमा सिन्हा पिछले 21 दिनों से लापता है। सूत्र के अनुसार अंबिकापट्टी क्षेत्र से होते हुए तुलापट्टी इलाके में हनुमान मंदिर में पूजा किए जाने के बाद ये लड़की वहीं से गायब हो गई। कहाँ गई किसी को पता भी नहीं है। इधर पिता तथा परिवार सदस्यों में मातम की माहौल छाई हुई है और पिछले 21 दिनों से परिवार सदस्य उसकी तलाशी में जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में थाने में FIR दर्ज किए जाने के 21 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नीलिमा सिन्हा की कोई खबर न मिलने पर परिवार सदस्यों ने चुप होकर थाने का घेराव किया। असम मणिपुरी छात्र यूनियन के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया था, लेकिन हालात कुछ सुधार नहीं हुए। अपने बेटी की तलाश के लिए पुलिस प्रशासन से जहां लगातार गुहार लगाया जा रहा है, तो इसी दौरान नीलिमा सेन की तलाशी में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की गतिविधि पर कई सवालिया निशान दागते हुए परिवार सदस्यों ने सिलचर सदर थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द अपनी बेटी नीलिमा सिन्हा को उद्धार किए जाने का मांग भी रखा। तो 24 अक्टूबर 28 বছরের একটি মহিলা বাড়ি শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ে রুটে এই দিন কালী পূজা ছিল। কালী পূজার দিন উনি এই মেয়েটি তার মা বাবাকে বলেছিল এবং বোনকে বলেছিল যে আমি এই তোলা প্রতিষ্ঠিত হনুমান মন্দিরে হনুমান ঠাকুরকে প্রণাম করার জন্য যাব। সেই জন্য গিয়েছিল বাড়ি থেকে। বাড়ি থেকে যাওয়ার পরে রাত 7টার সময় বেরিয়ে গিয়েছিল আন্দোলনের যাতে বা আমরা ডেমোক্রেটিক ইয়েতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য আমরা চিন্তাধারা করেছি এটাই। আর আমরা একটাই দাবি জেলা প্রশাসনের কাছে এবং আমরা আজ শিলচর সদর থানায় এসেছি যে এই মেয়েটির অতি সত্তর যাতে সন্ধান পায়, এই সন্ধানের জন্য আমাদের বিনম্র অনুরোধ। আচ্ছা আপনারা কি মানে জিলানি মানুষ শুনছে?